आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1, ओके, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल्स टू kt स्क्वायर वेयर k इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, वेयर y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। द टाइम पीरियड नाउ बिकम T2, देन वी हैव टू डिटरमाइन T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर, ओके। सो जो टाइम पीरियड T होता है, ये होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाय g, तो ये हो गया हमारा T1। सस्पेंशन हमारे पास अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अपवर्ड मूव करेगा तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है अपवर्ड कंडीशन में, वो हमारे पास आ जाता है जी प्लस एक्सेलरेशन ए। अब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, तो वाई हमें दे रखा है, तो इसको जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dt स्क्वायर, तो ये हमारे पास मिलेगा हमें एक्सेलरेशन ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2k हो जाएगा, और k का वैल्यू 2 है, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया यहां पे, जी प्लस ए यानी कि 4, तो जी का वैल्यू भी यहां पे हम पुट कर देते हैं, तो जी का वैल्यू यहां पे हमारे पास कितना है 10, तो ये कितना हो गया हमारा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो T2 का वैल्यू हम यहां पे लिख पाएंगे, तो वो कितना होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ओके, ये है हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन, यहां पे ई लगाना है, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ओके। तो अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास में इफेक्टिव एक्सेलरेशन डिवाइड बाय g, ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है 14 और g कितना है 10, तो ये रेशियो कितना आ गया हमारे पास में T1 स्क्वायर डिवाइड बाय T2 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया कितना 7/5, तो ऑप्शन 4 यहां पे करेक्ट है, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।